सर ग्लेनमार्क देखिए। सर आज ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो ग्लेनमार्क, डिवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल्स, लुपिन, सनफार्मा छोड़कर जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। पिछले 1 घंटे की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी ये सेक्टर को खराब कर रही है। ये इसके पहले तक थोड़े से अच्छे मोमेंटम में थे स्टॉक्स। ऊपरी लेवल पर डेफिनेटली प्रेशर आ रहा है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। फ्यूचर्स के अंदर काम जो करते हैं वो सेल कर पोजीशन कैरी आउट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी। चार्ट्स के ऊपर कहीं पे भी बाइंग अगर आएगी यहाँ पे तो डबल बेस के अंदर इसके अंदर सेलिंग देखने मिल सकती है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कैश के अंदर फिलहाल खरीदारी को अवॉइड करें। फ्यूचर्स के अंदर स्टॉक को सेल करके जा सकते हैं, या जिनको पोजीशन हेज करनी है उनके लिए भी फ्यूचर्स का एक टूल अच्छा है कि वो पोजीशन हेज कर सकते हैं, या जिनके पास में कम क्वांटिटी में है तो अगले महीने का कोई पुट जो स्ट्रगल रेंज में देखने मिलेगा उसके अंदर डेल्टा मैनेज करके पुट की सलाह रहेगी उसके अंदर। फिलहाल फ्रेश बैंक की इसके अंदर कोई सलाह नहीं है। जिनके पास में है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, हेज करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा देखने मिल सकता है, या जो भी है जो ब्लीडिंग है इसके अंदर की वो कहीं ना कहीं आपको रुकती हुई नजर आएगी सर। जी, तो कोविड की खबरों के चलते तेजी आई थी और फिर उसके बाद वाली खबरें भी आना शुरू हुई कि इतनी बुरी हालत नहीं है चाइना में, तो उसका असर भी दूसरी साइड पे वापस से गिरावट भी होता हुआ दिख रहा है। मैं एक बात फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि कोविड ये चीज ऐसी है कि हम लोगों ने उनको डाइजेस्ट करना सीख लिया है। अभी वो सिचुएशन पहले जैसी नहीं है कि मतलब क्या ही हो जाएगा और फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है और लॉकडाउन लग जाएगा और बाकी सारी इस तरीके की चीजें नहीं होनी है। अभी दूसरी चीज ऐसी है, डर कोविड से ज्यादा जिस तरीके के फिगर्स यूरोपियन कंट्रीज और चाइना ने फिगर्स जो छुपाने वाली बात कर रहे हो, कल तो यूरोपियन कंट्रीज ने खुले तौर पे बोल दिया कि हम लोग कोविड के जो नंबर्स है और उनके जो रिपोर्ट्स आते हैं ग्लोबली वो हम लोग कहीं पे भी अब डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसका कोई रिपोर्ट हम लोग देने वाले हैं नहीं। तो उसकी वजह से थोड़ा जो माहौल है वो गड़बड़ाया हुआ है। हालांकि ये बातों की ज्यादा चर्चा होती नहीं है कोई मीडिया के ऊपर, और ये जब ये पूरी खेती चूक जाएगी चिड़िया तब ये डिस्कशंस होंगे। इसलिए थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के अंदर मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों तो अगर फैक्ट अगर कुछ है ही नहीं तो वो लाएंगे नहीं, और अगर कुछ रहेगी तो धुआं कहीं ना कहीं दिखेगा सर। ठीक बात है, तो वो है, लेकिन हमारे टीवी चैनलों ने, कम से कम हिंदी न्यूज चैनलों ने तो कायदे से डरा करके रखा है। उनके पास कुछ ज्यादा खबरें दिखाने के लिए होती नहीं है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इसी तरीके की चीजों पे काम करते रहते हैं। तो फिलहाल या तो कहीं युद्ध पे जाएंगे, यूक्रेन रशिया पे न्यूक्लियर कराएंगे, और नहीं तो फिर वर्ल्ड वॉर। इसीलिए मैंने सर आपसे एक बात जरूर कही थी वहां पे शुरू में, मैंने इतने दिन वो वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया था कि इमोशनल बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये बकायदा डराते हैं, जो अभी हम लोग तो नाम नहीं लेना चाहते किसी का भी, लेकिन बकायदा डराते हैं। और बात करने की जो जिस तरीके की बात होती है, पिक्चर्स जिस तरीके के आते हैं तो आदमी पिक्चर ध्यान में रखता है, बात तो भूल जाता है कि फिर से आजकल मीडिया वो। मीडिया का रोल नहीं निभा रहा है, वो थोड़ा अलग तरीके से सेंसेशनलिज्म और बॉलीवुड मसाला जैसी चीजें चल रही हैं, तो उसी का एक पार्ट है सर करेक्ट, इसी एंड यू विल तरीके नेवर नो कि कौन से टाइम पर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। जब तक से। डेटा पॉइंट इसलिए आपके सामने नहीं आएंगे आप ट्रेडिंग करने के लिए मतलब हो ही नहीं पाएगा सर। तो आप लोगों की बात को 100% रिस्पेक्ट करके ही मार्केट को ऑब्जर्व किया जा सकता है सर। जी।